एवरी वन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास सिक्स मैथ्स की बुक का चैप्टर सेवन फ्रैक्शंस और एक आप लोगों से एक बात पूछनी है क्लास सिक्स के बच्चों आप क्या आप लोग चाहते हो कि लर्नर बी पर ही मैं सारे के सारे आपकी पूरी की पूरी मैथ्स कम्प्लीट कर दूँ मतलब सारी मैथ्स हम लोग लर्नर बी पर ही कंप्लीट करते हैं पूरी सिक्स क्लास की ऐसा आप लोग चाहते हैं या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए ताकि आप लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए सिर्फ मैथ्स के लिए मैं एक अलग चैनल उस पे मैं क्लास मैथ्स फिर उसके बाद इसी तरीके तो ही तो तो लिए सिक्स सेवेंथ एट नाइन्थ क्या सबके लिए अलेवन ट्वेल्थ हम लोग मैथ्स का अलग अलग चैनल बनाते सिर्फ मैथ्स का क्योंकि बाकी सब तो हमारा लर्नर पे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं है ना होपफुली आप लोगों ने देख भी लिया होगा तो फ्रैक्शन देखिए स्टार्ट करते हैं अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में फ्रैक्शंस चैप्टर सेवन है और फ्रैक्शंस का बेसिकली मतलब क्या होता है देखिए आपको अगर मैं इजी भाषा में समझाऊँ ना कि अगर हम लोग बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें कि ये फ्रैक्शंस होते क्या हैं तो इसमें ना देखिए ऐसा होता है फ्रैक्शंस में कि कोई भी चीज़ है टू अपॉन सेवन है ना एक सेकेंड जैसे हम लोगों को अगर लेना है कि कोई भी चीज़ टू अपॉन सेवन की फॉर्म में आए अपॉन में एक चीज़ ऊपर है और एक चीज़ नीचे है तो जब भी ऐसा होता है ना कि भाई एक चीज ऊपर आ रही है एक चीज़ नीचे आ रही है ये ना फ्रैक्शन होती है और फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल मतलब एक चीज पूरी एक कंप्लीट है इसमें से किसी एक पार्ट के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं ना तो वो चीज़ क्या होती है तब वो चीज़ फ्रैक्शन होती है मतलब पूरी की पूरी चीज़ नहीं है पूरी चीज़ में से हम लोग एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या होती है फ्रैक्शन हमारी होती है तो फ्रैक्शन का मतलब होता है पूरे ग्रुप में से आप लोग कोई एक चीज़ ले रहे हैं जैसे कि अगर आप लोगों से बोला जैसे कि यहाँ पर ये यह हमें बोला गया है फाइव बाई ट्वेल्व ऑफ अ फ्रैक्शन तो मतलब टोटल चीज़ कितनी थी टोटल यहाँ पर ट्वेल्व थे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट देखिए कुछ भी है आपने एक डब्बा बनाया उसमें आप लोगों ने ट्वेल्व पार्ट बना लिए सपोज करिए आठ है है ना बारह पार्ट आपने बना लिए अगर इसका हम लोगों ने लिखा है कि फाइव बाई ट्वेल्व है तो फाइव बाई ट्वेल्व का मतलब होता है कि इन बारह में से कोई से भी पाँच है ना बारह में से कोई से भी पाँच हैं तो फाइव बाई ट्वेल्व है तो टोटल जो भी चीज़ होती है वो हमेशा फ्रैक्शन में नीचे आती है और जो चीज़ ऊपर आती है ना वो वाली हमें वैल्यू इसकी बतानी होती है तो मतलब जो ऊपर है वो वैल्यू है और जो नीचे है वो टोटल है तो ये होती है हमारी फ्रैक्शंस और देखिए आप लोगों ने फ्रैक्शंस में जो कोई भी चीज़ अगर फ्रैक्शन में है ना तो बेसिकली जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है ये सपोज करिए टू पॉइंट सेवन है तो जो ऊपर वाला है ना इसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कि ये डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाले पार्ट को जैसे कि टू बाय सेवन है ये तो इसमें से ऊपर वाला पार्ट होता है ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला जो पार्ट होता है अपॉन में इसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ होती है नीचे वाली डिनोमिनेटर और ऊपर वाली होती है हमारी न्यूमरेटर ठीक है इतना हो गया अभी हम लोग आगे का देखते हैं फिर तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 तो 7.1 जो एक्सरसाइज है इसके हम लोग क्वेश्चन इसमें आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन तो शेडेड पोर्शन मतलब कौन सा पोर्शन शेडेड है उसकी हम लोगों को फ्रैक्शन बतानी है तो सिंपल सा है कि क्या लिखना होता है हम अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो सबसे पहले हम गिन लेंगे कि टोटल डब्बे कितने हैं बेसिकली तो वन टू थ्री फोर इस पूरी की पूरी फिगर में ये जो ऐसे करके ट्रायंगल बना हुआ है इसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल है इसमें टोटल बॉक्सेस कितने हैं वन टू थ्री फोर फोर तो टोटल फोर है तो डिनोमिनेटर यानी कि नीचे क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा है ना तो टोटल क्या है टोटल तो फोर हैं अब हम लोगों को बोला गया है कि हम लोगों को शेडेड पोर्शन बताना है कि इनमें से कौन सा पोर्शन शेड हो रखा है तो वन तो दो ही शेड हो रखे हैं तो जो शेड हो रखे हैं वो वाले आप लोगों ने लिख लेने हैं ऊपर तो ऊपर लिख लेने हैं शेडेड वाले है ना और टोटल लिख लेना है नीचे तो शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा टू बाई फोर हमारा शेडेड पोर्शन इसका हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तो इसके वन टू थ्री फोर अगर हम इसका देखें तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं फोर और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ये होते हैं नीचे वाले और शेडेड पोर्शन कितना है टू और शेडेड पार्ट क्या है टू तो हम लोगों का हो जाएगा टू बाय फोर इसका शेडेड पोर्शन अब ये वाला आता है ये वाला सेकेंड वाला सेकेंड वाले में हम लोग पहले गिन लेते हैं कि टोटल कितने हैं तो अगर हम लोग सेकेंड वाले को देखेंगे ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें टोटल कितने आ रहे हैं सेकेंड में टोटल आ रहे हैं यहाँ पर ये देखिए सेकेंड है टोटल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टोटल आ रहे हैं नाइन टोटल अगर हम लोग देखें तो आ रहे हैं नाइन अब हम लोग के शेडेड कितने हैं शेडेड अगर हम देखेंगे तो शेडेड पोर्शन बन रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एट शेडेड हैं है ना तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी जो आप लोगों को फ्रैक्शन बतानी है कि टोटल है ना शेडेड टोटल में से कितनी शेड है तो टोटल वाला तो आप लोग क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे और जितने शेडेड होंगे ना वो आप लिखेंगे ऊपर तो ऊपर आप लिखेंगे शेडेड पार्ट और नीचे लिखेंगे आप लोग टोटल पार्ट तो आंसर इसका हो जाएगा एट बाय नाइन अब ये वाला जो पार्ट है थर्ड थर्ड वाला देखते हैं थर्ड पार्ट में आप लोगों को बताना है कि वही टोटल अपॉन शेडेड तो टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसमें टोटल हैं हमारे थर्ड वाले में एट और शेडेड कितने हैं शेडेड हम लोगों के हैं फोर है ना वन टू थ्री फोर फोर शेडेड हैं तो फ्रैक्शन uh, क्या हो जाएगी फ्रैक्शन हो जाएगी नीचे तो टोटल आता है फ्रैक्शन हो जाएगी टोटल नीचे और शेडेड ऊपर तो जो थर्ड वाला है बेसिकली थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा फोर अपॉन एट फोर अपॉन एट इसका आंसर हो जाएगा इसी तरीके से अगर हम लोग फोर्थ वाले की बात करें ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट की बात करें तो वन टू थ्री फोर टोटल कितने हैं फोर और शेडेड कितना है शेडेड तो एक ही है तो इसका आंसर फोर्थ वाले का आंसर हमारा हो जाएगा वन अपॉइंट फोर तो इजी है ना अब मैं फटाफट से बता दूं आप लोगों को और इजीली मतलब फटाफट से कर लेते हैं अब ऐसे ही फिफ्थ वाला अगर हम लोग देखें तो इसमें टोटल कितने हैं टोटल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन टोटल हैं तो टोटल यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि सेवन है शेडेड कितने हैं वन ये वाला शेड है ये वाला शेड है और ये वाला शेड है तो अगर हम लोग लिखें कि शेडेड कितने हैं तो शेडेड हम लोगों के थ्री हैं टोटल सेवन है शेडेड थ्री हैं। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी फिफ्थ वाले की फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी नीचे तो हमारा आता है टोटल और ऊपर आता है शेडेड तो थ्री अपॉइंट सेवन हम लोगों के फिफ्थ वाले की फ्रैक्शन बन जाएगी है ना क्या फ्रैक्शन बन जाएगी फिफ्थ वाले की थ्री अपॉइंट सेवन अब अगर इसी तरीके से हम लोग फोर्थ वाला देखें फोर्थ वाला यानी कि ये वाला ये वाला फोर्थ वाला देखें तो इसमें टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्व ट्वेल्व है टोटल तो टोटल वाला तो नीचे लिख दीजिए और शेडेड कितने हैं तो शेडेड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन शेडेड है तो नाइन अपॉन ट्वेल्व नाइन अपॉन ट्वेल्व हमारे सिक्स वाले का आंसर आ जाएगा तो सिक्स वाले का आंसर क्या आ जाएगा नाइन अपॉन ट्वेल्व है ना आ, क्योंकि हम लोगों के ट्वेल्व शेडेड हैं एक सेकेंड हाँ शेडेड हम लोग हाँ तो ये वाला इसका आंसर हो गया नाइन अपॉइंट ट्वेल्व अब इसका देख लेते हैं तो इसमें कितने शेडेड हैं सेवेंथ वाले में तो देखिए इसमें तो सारे के सारे ही शेडेड हैं सारे शेडेड हैं तो यानी कि टेन अपॉइंट टेन तो सारे के सारे पार्ट इसके शेडेड हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी इसकी इस वाले की फ्रैक्शन बन जाएगी टेन अपॉइंट टेन इसी तरीके से जो एर्थ वाला है इसमें कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टोटल पार्ट कितने हैं इसमें एर्थ वाले में टोटल पार्ट हैं नाइन और शेडेड कितने हैं वन टू थ्री फोर फोर शेडेड हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी फ्रैक्शन बन जाएगी फोर अपॉन नाइन अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एट्थ वाले की फ्रैक्शन बन गई फोर अपॉन नाइन अब हम लोग नाइन्थ वाले की देख लेते हैं नाइन्थ वाले में टोटल कितने हैं नाइन्थ वाले में टोटल uh, आ रहे हैं हम लोगों के ये वाला है नाइन्थ वाले में टोटल गिन लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन्थ वाले में टोटल हैं हमारे एट और शेडेड कितने हैं शेडेड हैं हमारे वन टू थ्री फोर फोर शेडेड हैं तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी टोटल तो नीचे आता है है ना और शेडेड ऊपर तो फोर अपॉन एट हम लोगों की फ्रैक्शन यहाँ पर बन जाएगी और अगर हम लोग टेंथ की बात करें तो टोटल कितने हैं टेंथ में वन टू अच्छा नहीं 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 इसमें जो होगा हम लोगों का दो पार्ट है ना दो पार्ट इसमें इस तरीके से डिवाइडेड है जैसे कि ये देखिए इसको नीचे कर लेते हैं कुछ नेक्स्ट टाइम से ना कुछ अलग सा देखेंगे ताकि ये ऊपर हाँ तो इसमें हम लोगों की जो टेंथ पार्ट है इसमें हमारा डिवीजन हो रखा है लाइन से तो बेसिकली लाइन से यहाँ पर हमारा डिवीज़न हो रखा है कैसे यहाँ पर देखिए ज़रा ये वाला जो है इसमें हम लोगों का ऐसे ये बीच में ये लाइन से ऐसे डिवीजन हो रखा है ये तो एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है तो टोटल पार्ट कितने हैं इसमें टोटल पार्ट जो हैं वो टू हैं और शेडेड कितने हैं शेडेड हमारा वन ही पार्ट है तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी फ्रैक्शन हो जाएगी वन अपॉन टू क्योंकि शेडेड अपॉन टोटल होती है तो इस वाले की फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी वन पॉइंट टू तो इस वीडियो में हम लोगों ने ऐसे देख लिया अब हम लोग न वाइट बोर्ड पे देखेंगे इसके बाद तो ये वाली हम लोगों ने सेवन पॉइंट वन की इस चैप्टर के हम लोगों ने क्या किए पहले तो हम लोगों ने देख लिए इसका बेसिक कि फ्रैक्शन क्या होती है और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन वन जो है वो देख लिया अब इसके आगे के क्वेश्चन हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू